गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। मोस्ट ऑफ द कस्टमर डिमांड दैट प्रॉपर्टी फर्स्ट विच इज़ इन गेटेड कॉलोनी एंड पार्क फेसिंग एंड सेकेंड विद हैव अ गुड कनेक्टिविटी। सो हियर योर सर्च इज गोइंग टू बी एंड। और इस कॉलोनी का बेसिकली नेम पुरुषोत्तम बाग है। सौफुटा से लगी हुई कॉलोनी है। DI कॉलेज आपका पास में दिया हुआ है और भी जो सारी फैसिलिटीज़ हैं मार्केट स्कूल बैंक ATM वो सभी आपके आसपास ही हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के लिए इस जगह पे चैम्बर बनाया हुआ है और सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे गार्ड साहब हैं उनकी नज़र इतनी पैनी है कि दो मिनट में पहचान लेते हैं कौन सा इंसान कॉलोनी का है और कौन सा नहीं है। तो इस कॉलोनी में आपका पार्क भी दिया हुआ है और सिक्योरिटी गार्ड भी दिया हुआ है। पार्क आपको पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, वहीं सिक्योरिटी गार्ड आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ये वाली जो रोड है ये आपकी सौफुटा रोड है, इसी से DI कॉलेज आपका पास में लगा हुआ है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज है DI का वो इसी से अटैच है। अब हम चलते हैं हमारे फ्लैट की लोकेशन में। आइए, मैंने आपको पार्क दिखा दिया, पीछे की तरफ जो गार्ड साहब बैठते हैं वो जगह दिखा दी, पार्क फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी रहेगी और यहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी और बेटर है। इस वाले पोल पे आप देख सकते हैं CCTV कैमरे लगे हुए हैं। बाहर से कोई भी आएगा वो भी रिकॉर्ड होगा, कौन जाएगा वो भी रिकॉर्ड होगा। ये सामने ये वाला पूरा पार्क रहेगा और फ्रंट रोड हमको इसमें 30 फीट की दी हुई है। आपकी कोई बड़ी से बड़ी कार होगी वो इजीली यहाँ पे आ जाएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कार ऑलरेडी लगी हुई है। और अगर पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी होती है तो ऑलरेडी आप ये समझिए आपकी लाइफ तो और बढ़ चुकी है। ये हमारा एंट्री वाला स्पेस है, आप इसमें देख सकते हैं। बाहर से आपको स्टेयर्स प्रोवाइड करनी है, जो कि आपके ऊपर कोई लोग रह रहे हैं उनका अलग से उसमें सेपरेट है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो हमारा बेसिकली ये वाला फ्लैट रहेगा। इस वाले फ्लैट के लिए सामने विंडो देख सकते हैं, ये किचन से अटैच विंडो दी हुई है। गैस की लाइन ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है और इसके अलावा वाटर बॉक्स की लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है। पानी के लिए समर स्टॉन्टी आपको ला के दी जाए। दयालबाग का एरिया है और पानी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा मीठा है। डोर्स की बात करें, डोर्स आपके 10 फीट की इसमें हाइट दी हुई है। डोर्स की अंदर जैसे ही आप आएंगे आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पे ड्राइंग रूम दिया हुआ है। ड्राइंग रूम का अगर आप स्पेस देखेंगे तो काफ़ी बड़ा इसमें स्पेस दिया हुआ है। बाकी के रूम्स में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, आपका ड्राइंग रूम से अटैच ही वॉशरूम भी दिया हुआ है, एक कॉमन वॉशरूम जिससे आप खाना पीना खाते हैं तो इजीली बाहर से आप हैंड वॉश कर सकते हैं और इजीली उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आपके यहाँ पे 3 कमरे दिए हुए हैं, तो आपके साइड रहेंगे एक आपका बाहर वाला कमरा है और ड्राइंग रूम के जस्ट सामने की तरफ हमारी किचन दी हुई है। किचन भी पूरी मॉड्यूलर इसमें बनाई है, आप इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी किचन का साइज दिया हुआ है और या आपके एक सेंटर टेबल की तरह दी हुई है जिससे आप गर्म गर्म पकौड़े समोसे जो भी चाहे वो इजीली यहाँ पे खा सकते हैं। और पूरे यहाँ पर कवर दिया हुआ है जिससे आप अपना चूरम का कोई भी सामान है वो इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। स्पेशली इस किचन में जो वुडन वर्क दिया गया है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ भी और इसके अलावा ऊपर की तरफ काफी फिनिशिंग के साथ बहुत प्यारा इसको कवर किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे रूम्स की तरफ। पहले बाहर वाला रूम कवर कर लेते हैं, उसके बाद अंदर वाले करेंगे। ये बाहर वाला रूम है, इस वाले रूम का साइज भी अप्रॉक्स आपका 14x15 का साइज दिया हुआ है। जो डोर हमने बाहर से देखा था वो इस जगह में ये वाला डोर है, आप देख सकते हैं। सामने आपका पार्क फेसिंग है, आप सुबह सुबह उठते भी है तो काफी अच्छी फ्रेशनेस आपको फील होगी इस जगह में। और इसी रूम से अटैच हमारा वॉशरूम भी दिया हुआ है, आप देखेंगे पूरे वॉशरूम में टाइलिंग रैक पे यूज किया हुआ है। बाकी तो सारे नल शावर इवन इस वॉशरूम में आपकी कॉर्सिलिंग भी दी हुई है। अब हम चलते हैं हमारे बाकी के रूम्स की तरफ। बाकी के दो रूम हमारे इस साइड में हैं, डोर्स की हाइट वही आपकी 10 फीट में दी हुई है। इस वाले रूम में रूम का साइज भी आपको काफी बड़ा दिया हुआ है और इसी से अटैच आपको ड्रेसिंग टेबल भी इसमें अटैच की हुई है। सामान रखने के लिए भी आपको यहाँ पे कवर्स दी जा रही है, आप ये देख सकते हैं। इजी टू ओपन इजी टू क्लोज है, आपका जो भी बड़े से बड़ा सामान होगा वो इजीली इसमें आ जाएगा। अब हम दूसरे वाले रूम को भी देख लेते हैं। आइए, ये हमारा थर्ड एंड लास्ट बेडरूम है, इसको भी कवर करते हैं। डोर सिंगल रहेंगे, सेंट्रल लॉबी का बेडरूम रहेगा, फ्लोर पर आपकी पूरी टाइल कवर रहेगा और इसी से अटैच हमारा एक स्टोर दिया होगा। अगर आप चाहें तो इसको एज ए स्टोर की तरह यूज कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ छोटा टेम्पल बना होता है तो वो भी यूज कर सकते हैं। ये वाला जो डोर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ओपन स्पेस दिया हुआ है जिससे आप अपनी वॉशिंग एरिया की तरह इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें भी नीचे फ्लोर पर टाइलिंग कवर रहेगा, ऊपर की तरफ भी पूरा टाइल से कवर किया हुआ है और इसके ऊपर जो है वो वेंटिलेशन के लिए डक दिया हुआ है जिससे हवा अच्छे से आती रहे। और इस जगह में ये टेबल दी हुई है जिससे कि आपके बच्चे यहाँ पे कुर्सी डाल के पढ़ाई कर सकते हैं। ये साइड में जाकर आपका कीबोर्ड आ जाएगा, टाइप कर सकते हैं।
तो ये फ्लैट हमारा 150 में बना हुआ है, 1350 स्क्वायर फीट पार्क फेसिंग है, 30 फुट की फ्रंट रोड दी हुई है, सिक्योरिटी सारी चीजें मैंने आपको दिखाई थी। तो ये फ्लैट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसकी साइट विजिट करने के लिए या आप लोगों को कोई और भी डाउट है उसके लिए स्क्रीन पर दिए नंबर आ रहे होंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसकी साइट को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।